वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक नए ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है वॉकी टूट। आप मेरे मोबाइल में देख सकते हैं, ये वॉकी टूट का मोबाइल है। ये ऐसे खुलता है और मेरे पास एक दूसरा मोबाइल है MI Note 4 और ये सैमसंग Ren 2। ये किसी भी डिवाइस में अवेलेबल है। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दो मोबाइल लेते हैं, ये सादे हैं। उसमें मैंने ये वाईफाई का वॉकी टूथ मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो उसे पहले ओपन करना है। चलिए ओपन कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने को ऐसी स्क्रीन दोनों फ़ोन में मिलेगी, जिसमें आपको पहला ऑप्शन मिलता है माइक का, जो ये रहा। उसके बाद मिलता है कैमरे का, उसके बाद सेटिंग्स के। वो सब आपको करना नहीं है। आपको अभी इस ऐप का यूज़ आप CCTV की तरह भी कर सकते हैं। देखिए कि जिसमें मैं इसमें फ़ोटो की कैमरे ऊपर क्लिक करता हूँ तो सारी सेटिंग को अलाउ कर दीजिए। और आपको किसी भी एक फ़ोन में ये क्रिएट करना है, जिसमें आपको हॉटस्पॉट ऑन होगा। जैसे कि मैं इसमें ओके प्रेस करता हूँ तो ये अलाउ सिस्टम कर देता हूँ, हो गया। और इस फ़ोन को मैं सर्वर बना देता हूँ। और किसी एक फ़ोन को आपको सर्वर बनाना है और दूसरे फ़ोन को उसका क्लिक करना है, पर उसके पहले आपका वाईफाई ऑन होना। इस फ़ोन में वाईफाई ऑन होगा और इस फ़ोन में हॉटस्पॉट ऑन होगा। तो पहले वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने अपना वाईफाई कनेक्ट कर लिया है। ये IP एड्रेस ओपन हो रहा है, कनेक्ट हो गया। और जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करेंगे, तुरंत ही इसमें आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलेगी, ऐसी दोनों फ़ोन में मिलेगी। अब आपको किसी भी एक फ़ोन को अगर CCTV बनाना है तो इस कैमरे पे क्लिक कीजिए। ओके, तो इस फ़ोन में मेरी वीडियो आ रही होगी और उसका वीडियो दूसरे फ़ोन में होगा। अगर आप उसे ऑडियो भी चाहते हैं तो इसमें ऑप्शन है कि आप ऑडियो भी उसमें दे सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, इस बटन को क्लिक करते ही इस फ़ोन से जो मैं बोल रहा हूँ वो इस फ़ोन में सुनाई देगा। जैसे कि ये देख रहा है कि लाइव वीडियो अपडेट है। तो ये फ़ोन आप CCTV कर अगर ये तीन तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास दो अलग अलग फ़ोन है, जैसे कि मैंने एक फ़ोन रखा इस रूम कमरे में और दूसरा फ़ोन में दूसरे कमरे में रखकर किसी भी चीज़ को ऐसी तरह रखता कि वो किसी को दिखे नहीं, तो भी आप इस ऐप के ज़रिए कर सकते हैं। और आप इसे सेल्फी वाईफाई की तरह भी कर सकते हैं, जैसे कि इस फ़ोन में दिख रहा है। और अगर आपके पास सेल्फी कैमरा है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस फ़ोन में दिख रहा है कि मैं इस फ़ोन में बात कर रहा हूँ। और इस फ़ोन में भी सेल्फी कैमरा ऑन करते ही आपको ये दिखे जाएगा कि मेरा लैपटॉप है जो आपको दिख रहा है दोनों फ़ोन्स में। तो ये काम करता है। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।